अभी हम मौजूद हैं पटना के जेडीयू दफ्तर में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं मोतिहारी से लगभग 300 की संख्या में महिला यहां पहुंची हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि ये लोग ठगी का शिकार हुई हैं मोतिहारी में कई फाइनेंस कंपनियों के जरिए, और यहां पे जेडीयू दफ्तर को काफ़ी देर से घेर रखा था। आप देख सकते हैं यहां पे लगभग 350 की संख्या में महिला है। यहां पे कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई है, महिलाओं से बात कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि क्या परेशानी हुई है। हम आइए जानते हैं कुछ महिलाओं से कि आखिर मोतिहारी से वो क्यों आई हैं और क्या परेशानी है, जेडीयू दफ्तर आने की वजह क्या है। आप बताइए, आप लोग यहाँ पे होता है, आप लोग यहाँ पे हंगामा करिए किस लिए आई है, बताइए क्या कि लोन नहीं, हम पैसा दिया है पैसा लेंगे, माफ नहीं लेंगे। ऐसे पैसा दिए हैं, किसे पैसा दिया है? जादो निर्भय जादो का दिया है 22,500 रुपया। नहीं, लोन माफ नहीं करेंगे, पैसा दिया है पैसा लेंगे। लोन कितना का ली थी आप लोग? दिया है 30,000 के, 30,000 के, एक आदमी पर 30,000 रुपया। क्या हुआ, 30,000 लोन मिला, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो में से 22,500 रुपया लेके हम दिए हैं। एजेंट ले लिया जी? फिर क्या हुआ? 20 आदमी बोले कि 20 आदमी के जोड़िए तो हम एक आदमी अगला आदमी के हम 12,000 के महीना हम देंगे। पैसा लेने के बाद फिर क्या हुआ? वही हुआ कि 12,000 का महीना हम देंगे, 2 साल हम जीव का सहार हम पेठाएंगे। तो फिर मिला कि नहीं? नहीं मिला। जब मिल जाए तो हम इस जगह पर नहीं आते, हम कभी भी नहीं। आप बताइएगा, यहाँ पहुँची हैं, आपसे भी ठगी हुई है जी? कितना ठगी हुई है? 4.5 लाख। क्या हुआ था? 20-18 का नाम पर हम निकल लोग ले गए लोग हमने। आपके साथ जितने लोग थे उन लोग से ठगी हुई है जी? एक आदमी पर 20 को दीदी था, 20 दीदी से 22,500 रुपया लेकर अथी कर दिया। रेखा देवी, इनका साफ तौर पे कहना है कि 30,000 रुपया इन्हें अलग अलग फाइनेंस कंपनियों के तरफ से लोन दिलाया गया और फिर उसके एजेंट 22,500 रुपया इनसे ले लिए। और उनका कहना था एजेंट का कि आप लोगों को हर महीने 2,500-2,500 रुपये मिलेंगे, 2 महीने तक 2,500 मिले, उसके बाद पैसे नहीं मिले और सारे पैसे वो एजेंट गबन कर लिए। यहाँ कोतवाली के SHO हमसे बात करें, सर क्या परेशानी हो रही है? आप जानिए ना, क्या हम नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा। जेडीयू दफ्तर को घेर रखा है इन लोगों ने? ना, जेडीयू दफ्तर को नहीं घेरा है। तो ये भी परेशान है, सुबह से यहाँ पे इन्हें हटाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन महिलाएं हैं वो नहीं मान रही है। इनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक इन्हें पैसे नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ बैठी रहेंगी। मामला सीधा तर ठगी का है, जो फर्जी फाइनेंस कंपनियां हैं जो भोली भाली महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को बला फुसला कर लोन दिलवा देती है और उसके बाद उनके सभी पैसे को ठग लेती है। बहरहाल यहाँ फिलहाल जो जेडीयू दफ्तर के बाहर है महिलाएं यहाँ डटी हुई है, पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है लेकिन महिलाएं नहीं मानने वाली हैं। इनका साफ तौर पे कहना है 300 से ज़्यादा महिला यहाँ मोतिहारी से पहुंची हुई है और ये कह रही हैं कि जब तक इनके पैसे नहीं मिलते, जब तक कोई आश्वासन नहीं मिलता है, वो यहाँ से नहीं हटेंगे। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।